चंदनपुर गांव में अपनी बीवी रचना और दो बच्चे चैताली और चेतन के साथ रहता था। वो गांव के पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। 8 महीने पहले उसकी सबसे बड़ी बेटी वर्षा की तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई थी। मरने से 1 महीने पहले वर्षा ने मयंक से प्रॉमिस लिया था कि उसके बर्थडे वाले दिन वो उसे गिफ्ट में कंप्यूटर लाकर देगा। मयंक भी इस बात को मान गया था कि उसके बर्थडे पर वो एक लैपटॉप उसे गिफ्ट करने वाला था। लेकिन बेचारी वर्षा की तबीयत ऐसी खराब हुई कि अपना बर्थडे आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब उसका बर्थडे वाला दिन नजदीक आ रहा था। मयंक दीवार पर लगी वर्षा की फोटो को देखते हुए कहता है, वर्षा बेटा, तुम तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। मयंक 2 दिन बाद एक लैपटॉप खरीद लेता है और उसे पोस्ट ऑफिस में ही रख देता है। वो ये डिसाइड करता है कि उस लैपटॉप को वर्षा के बर्थडे वाले दिन ही घर में लेकर आएगा। वर्षा के बर्थडे का दिन आता है। वो लोग उसके कमरे को अच्छे से सजाते हैं और केक भी काटते हैं। फिर मयंक घर से निकलकर अपने ऑफिस जाता है, जहां उसने लैपटॉप रखा होता है। 10-15 मिनट के बाद मयंक अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर घर के अंदर आता है। वर्षा के रूम में रखे टेबल के ऊपर बॉक्स रख कर मयंक उसमें से लैपटॉप निकालता है। वाओ, मेरा लैपटॉप! अरे इडियट, सिर्फ तेरा नहीं, वर्षा दीदी और मेरा भी है, कहकर चैताली मुस्कुराने लगती है और मयंक और रचना भी बच्चों को खुश होते हुए देख मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन पड़ोस में रहने वाले रवि का बेटा आरुष उनके घर आता है और चेतन चैताली को लैपटॉप चलाता हुआ देख उसे जलन होने लगती है। वो वहाँ से मुंह बनाकर अपने घर वापस चला जाता है। क्या हुआ आरुष? हमारे पड़ोसियों के घर लैपटॉप आया है और मैं आपसे इतने दिनों से कंप्यूटर के लिए जिद कर रहा हूँ, आपने फिर भी मुझे अभी तक नहीं दिलाया। सुनकर रवि का भी मुंह बन जाता है। असल में ये पूरा परिवार मयंक के परिवार से जला करते थे और उनको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। गुस्सा मत हो बेटा, आज रात ही ऐसा काम करूंगा कि हमारे घर में लैपटॉप होगा और उस मयंक के बच्चे गलियों में खेलते फिरेंगे। रात के ठीक 2 बजे चैताली और चेतन के कमरे की खिड़की से एक आदमी अपने ऊपर चादर डाले घुस जाता है। वो दोनों इस टाइम सो रहे होते हैं। वो आदमी मौका देखकर लैपटॉप को उठाकर चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाता है। सुबह जब आरुष सोकर उठता है तो अपनी टेबल पर लैपटॉप रखा देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर जल्दी से लैपटॉप ऑन करके उस पर गेम खेलने लगता है। उसके मम्मी पापा कमरे में आते हैं और अपने बेटे को गेम खेलता हुआ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ जब चेतन और चैताली कमरे से लैपटॉप गायब देखते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। दोनों बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर मयंक और रचना उनके कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि लैपटॉप गायब है और दोनों बच्चे रो रहे हैं। मयंक की नज़र जब खुली हुई खिड़की पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि लैपटॉप चोरी हो चुका है। रात के टाइम आरुष लैपटॉप पर गेम खेल रहा होता है कि अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है। अरे इसे क्या हुआ, कहते हुए वो लैपटॉप को दोबारा ऑन करने की कोशिश करता है। तभी उसमें से डरावनी आवाज आती है। सुनकर वो अचानक से डर जाता है और मम्मी को पुकारता है। मम्मी, आ रही हूँ बेटा, लगता है भूख ज्यादा लगी है, कहते हुए मम्मी उसके टेबल पर नूडल्स की प्लेट रख देती है और वहाँ से चली जाती है। लैपटॉप ऑन हो जाता है और ठीक से चलने लगता है। ये आवाज कहाँ से आई थी, कहता है और नूडल्स की प्लेट उठाकर जैसे ही कांटे से अपने मुंह में रखने वाला होता है, लैपटॉप से एक रोशनी निकलती है और प्लेट पर पड़ती है। प्लेट में रखे नूडल्स कीड़ों में बदल जाते हैं और आरुष चीख मार कर उसे जमीन पर फेंक देता है। उसकी चीख सुनकर उसकी मम्मी कमरे में आती है और देखती है कि नूडल्स जमीन पर गिरे पड़े हैं। वो गुस्सा हो जाती हैं और उसका कान पकड़कर बोलती हैं, अगर तुम्हें खाना ही नहीं था तो मना कर देते, खाने को जमीन पर क्यों फेंका? मम्मी, वो नूडल्स नहीं थे, उसमें कीड़े चल रहे थे। कहाँ है कीड़े, तुम पागल हो गए हो क्या? कहते हुए जब वो दोनों जमीन पर देखते हैं तो वो नूडल्स ही होते हैं, उनमें एक भी कीड़ा नहीं होता। आरुष की मम्मी उसे 2 थप्पड़ लगाती हैं और उसे जमीन साफ करने को बोलकर बड़बड़ाती हुई किचन में चली जाती हैं। आरुष लैपटॉप से डरने लगता है और उसे चलाना छोड़ देता है। अगली रात रवि आरुष से कहते हैं,
क्या हुआ बेटा आरुष, तुम लैपटॉप क्यों नहीं चला रहे हो? पापा, उस लैपटॉप में भूत है। लैपटॉप में भूत कैसे हो सकता है? चलो तीनों कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। कहकर वो आरुष के कमरे में जाते हैं। आरुष की मम्मी भी उसके कमरे में आ जाती हैं और तीनों बैठकर लैपटॉप में मूवी देखने लगते हैं। देखा आरुष बेटा, मुझे बताओ भूत कहाँ है? सही तो चल रहा है तुम्हारा लैपटॉप। अब आरुष का भी डर दूर हो जाता है। हाँ पापा, आपने सही कहा, आज से मैं रोजाना लैपटॉप पर गेम खेला करूँगा। अचानक से लैपटॉप की स्क्रीन पर एक डरावनी लड़की नजर आती है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं। बेटा बेटा आरुष, इस लैपटॉप को बंद कर दो। तभी वो लड़की लैपटॉप से बाहर आ जाती है और उनकी तरफ पढ़ने लगती है। तीनों डर कर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बहुत शौक है मेरे परिवार को परेशान करने का तुम लोगों को। उसकी आवाज सुनकर वो तीनों उस आत्मा को पहचान लेते हैं। वर्षा, तुम तो मर चुकी हो। मैं वर्षा की आत्मा हूँ, ये लैपटॉप मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुरा कर अपने घर में लाने की? माफ कर दो बेटा, हमें हम अभी ये लैपटॉप तुम्हारे घर में देकर आते हैं। तुम लोग हमेशा से हमारे परिवार से जलते हो और हमें परेशान करते रहते हो। बेटा वर्षा, हम वादा करते हैं कि तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं रखेंगे, उनसे माफी भी मांगेंगे और उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे को 10-10 थप्पड़ लगाओ। वर्षा की आत्मा आरुष के मम्मी पापा से कहती है। दोनों डर कर उसकी बात मान लेते हैं और एक दूसरे को 10-10 थप्पड़ लगाते हैं। अब दोनों एक एक थप्पड़ अपने इस बेटे को लगाओ, ये भी मेरे भाई बहन से बहुत जलता है। सुनकर दोनों आरुष को एक एक थप्पड़ लगाते हैं और आरुष कहता है, वर्षा दीदी, मैं वादा करता हूँ मैं आपके भाई बहन को अब कभी परेशान नहीं करूँगा। वर्षा की आत्मा हंसने लगती है और उनसे कहती है, अब मेरा लैपटॉप यहाँ से उठाओ और मेरे घर में जाकर मेरे परिवार वालों को वापस कर दो और उनसे माफी मांगना मत भूलना। रवि जल्दी से लैपटॉप उठाता है और तीनों मयंक के घर जाकर मयंक को लैपटॉप वापस करके उससे माफी मांगते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। दोनों बच्चे लैपटॉप देखकर खुश हो जाते हैं और उसे अपने कमरे में उसकी जगह पर रख देते हैं। क्या मेरी बेटी की आत्मा भटक रही है? तभी वहाँ पर वर्षा की आत्मा आती है। वो इस वक्त डरावनी नहीं दिखती, जैसी वो जिंदा रहने पर खूबसूरत दिखती थी वैसी ही नजर आती है। चेतन और चैताली भी दीदी को देखकर खुश हो जाते हैं। वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, पापा मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बर्थडे पर आपसे एक लैपटॉप गिफ्ट में लूं। इसलिए मैं अपने बर्थडे तक के लिए यहीं पर थी। वो डरावना रूप मैंने इन लोगों को सबक सिखाने के लिए लिया था। अगर ये दोबारा आपको परेशान करेंगे तो मैं फिर से उसी रूप में आऊंगी। कहकर वो रवि के परिवार की तरफ देखती है और वो तीनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। चैताली और चेतन उनको भागता देख हंसने लगते हैं और वर्षा मुस्कुरा कर कहती है, अब मैं चलती हूँ पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, लव यू पापा। कहकर वर्षा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और चेतन चैताली दोनों मिलकर लैपटॉप पर गेम खेलने लगते हैं।